ये रिश्ता क्या कहलाता है में तीज के बीच नायरा कैसे रह पाएगी गोइंका हाउस में। सीरियल के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे कार्तिक और नायरा के बीच चल रही लड़ाई कायरव सुन लेगा। कार्तिक और नायरा लड़ते लड़ते अपनी गलती मान लेंगे, जिसके बाद नायरा गुस्से से वहां से निकलेगी और उसे अपनी और कार्तिक की शादी के फोटो के बीच कायरव की फोटो पेस्ट हुई दिखेगी। इस तस्वीर को देखकर कार्तिक और नायरा को समझ आ जाएगा कि कायरव ने सब सुन लिया है। कायरव अपने रूम में टेबल के नीचे बैठकर रो रहा होगा और कार्तिक नायरा उसे कंसोल करने की कोशिश करेंगे। दादी स्वर्णा और वेदिका रूम के बाहर खड़े इनकी बातें सुन रहे होंगे। नायरा बड़ी मुश्किल से कायरव को समझाएगी और वो इन दोनों को सॉरी और पिंकी प्रॉमिस करने को कहेगा। कार्तिक नायरा और कायरव को साथ देखकर वेदिका को अपनी डॉक्टर फ्रेंड की बातें याद आएंगी। वेदिका वो सब सोचकर परेशान हो जाएगी। वहीं भाभी माँ नायरा को गोइंका हाउस से वापस लाने की जिद करेंगी, क्योंकि तीज का त्योहार पास आने वाला होगा और वो नहीं चाहती कि नायरा वहाँ रुके और उसे पुरानी बातें याद करके बुरा लगे। कार्तिक और नायरा अपने रूम में बैठकर रोएंगे। दादी वेदिका को तीज की तैयारियां करने को कहेंगी और उसे समझाएंगी कि वो अपने हक के लिए लड़ना सीखे। तीज की तैयारियों के बीच कार्तिक खुश होकर नायरा को बताएगा कि कायरव के टेस्ट प्रीपोन हो गए हैं। दादी बताएगी कि उस दिन तीज है और कार्तिक नायरा को पुराने दिन याद आ जाएंगे। नायरा को अचानक से लगेगा कि वो तीज के लिए तैयार है और वेदिका उससे सवाल कर रही है कि कहीं उसे फिर से कार्तिक से प्यार तो नहीं हो गया। ये नायरा का सपना होगा। इसके बाद नायरा की गोवा वाली फ्रेंड आ जाएगी। अब अपकमिंग एपिसोड में कायरव नायरा को तीज का व्रत रखने को कहेगा और वेदिका के लिए खरीदे हुए कंगन वो कार्तिक से नायरा को पहनाने के लिए भी कहेगा।